लो गाइस, तो क्या हाल चाल है आप लोगों का। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि हम किस तरह अपने रिकॉइल को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि 1.7 अपडेट आई है। उसमें आपको पता होगा कि काफ़ी सारे ऑप्शन आए हैं जिसमें हम क्या करते हैं, सेंसिटिविटी चेंज हो गई है। उन सेंसिटिविटी को सेट करने के लिए आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ एक न्यू वीडियो। तो बग़ैर किसी देर के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम इस वीडियो का एम रखते हैं 20 लाइक्स का। तो चलिए आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम अपने ऑप्शन की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर जाना है, सेंसिटिविटी में जाना है। सेंसिटिविटी में कुछ ऑप्शन न्यू भी आए हैं जो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, आपने ये देखेंगे, मैंने यहाँ पर सेट कर लिया है कैमरे की सेंसिटिविटी, आपने यहाँ पर देख लेनी है। और जिसको यहाँ से समझ ना आए तो अपनी सेंसिटिविटी का कोड मैं नीचे डाल दूंगा, तो वो लाजमी नहीं है ये आईफोन की ही है, ये सब की है, और तब में ये बेस्ट चलेगी अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका एम थोड़ा सा अच्छा हो जाए। और आप लोगों ने ये यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है ना ADS सेंसिटिविटी, तो यहाँ पर आपने ये न्यू ऑप्शन है, इसको आपने क्लोज नहीं रखना है, इसको आपने रखना है ओपन। ओपन क्यों रखना है कि ओपन रखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, अगर ये क्लोज रखेंगे तो हमने क्लोज रखा तो क्या होगा, जो हमारी कैमरे की सेंसिटिविटी है वही ADS की सेंसिटिविटी हो जाएगी। अगर हम इसको ओपन रखेंगे तो वो हम ADS की सेंसिटिविटी को, ये देखें ऑप्शन शो हो रहे हैं, अब इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह कैमरे की सेंसिटिविटी आपकी उसकी कॉपी नहीं होगी, तो इसी तरह जायरोस्कोप की कॉपी हो जाती है और ADS की कैमरे के साथ सेंसिटिविटी कॉपी हो जाएगी अगर आप इसको ओपन नहीं रखेंगे। ठीक है, तो आपने करना क्या है कि यहाँ पर आएंगे आप लोग, अपना स्प्रे देखें थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सा फ़र्क आपको नज़र आ रहा है ना, जैसे हम 3 का देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं 4 का, फिर उसके बाद हम देखते हैं अब 6 का। ठीक है, इसी तरह आप इसमें देख सकते हैं 6x का AKM में। ठीक है, ये होगी फुल जैरो के लिए, क्योंकि मैं टोटली जैरो खेलता हूँ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे और आपने अगर सेंसिटिविटी इस तरह की रखनी है तो आप लोग रख सकते हैं। और 1.7 के अपडेट में जो जो ऑप्शन न्यू थे वो मैंने आपको बता दिए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और अब रोज़ मेरी इस तरह की कोई ना कोई वीडियोज़ आती रहेंगी। और अगर आपको इसी किस्म की कोई और वीडियोज़ चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट्स में बता दें, ताकि मैं और वीडियोज़ लेकर आता रहूँ।